नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देवगुरु बृहस्पति होंगे उदय, इन चार राशियों की हो गई बल्ले बल्ले। अयोध्या के ज्योतिषी से जाने सब। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद सभी ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। ग्रह के इस प्रकार की घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रभाव सभी जग जीवन सहित 12 राशियों के जातक पर देखने को मिलता है। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं, तो वही वृषभ राशि में 7 मई को गुरु अस्त हो गए थे, लेकिन अब आगामी 6 जून को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में उदय होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। किसी पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा तो किसी पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। दरअसल अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्कि राम बताते हैं कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक निश्चित अवधि पूरा करने के बाद सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक 6 जून को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त हो रहे हैं। जब एक राशि से दूसरी राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो उस अवधि में वह उस राशि में अस्त और उदित होते हैं, जिसका प्रभाव जग जीवन सहित सभी 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन कुछ राशि ऐसी हैं जिस पर देवगुरु बृहस्पति का उदय होने से उनका भाग्य बदल सकता है, जिसमें सिंह राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के जातक शामिल हैं। वृषभ राशि के जातक के लिए देवगुरु बृहस्पति का उदय होना काफ़ी लाभ दिला सकता है। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, बिजनेस में सफलता मिल सकती है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कर्क राशि के जातक के लिए लंबे समय से लटका हुआ धन वापस आएगा, पैसे की आर्थिक तंगी दूर होगी, मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ मिलेगा, व्यापार में निरंतर वृद्धि होगी, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। सिंह राशि के जातक को नए ऑफर मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातक के लिए हर क्षेत्र में शानदार परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से अगर आप किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं तो वह कार्य पूरा होगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।